देखिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण दिलचस्प है और हास्यास्पद भी। परिवारवादी पार्टियों में ये दृश्य आजकल खूब दिखने को मिलते हैं, इसलिए कि कभी आप समाजवादी पार्टी में चचा बनाम भतीजा, भाई बनाम भाई, ये आप देख चुके हैं, और इसकी एक पुनरावृत्ति आपको बिहार में राजद के कुनबे में भी दिख रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव जैसे लोग राजनीति के लिए कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो लालू जी के सुपुत्र नहीं होते तो राजनीति में ये मुकाम उन्हें हासिल हो जाता, ये कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव, ये पूरा का पूरा प्रकरण विरासत की लड़ाई है। लालू यादव ने जो वर्षों गरीबों की लड़ाई के बाद जो हासिल किया, और बाद के दिनों में उसका क्षरण भी परिवारवाद के मोह में हुआ, लेकिन जो कुछ बचा है उस पर कब्जा और उस पर प्रभुत्व हासिल करने की ये जंग है। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, जिस तरह से महागठबंधन बिखर गया चुनाव की घोषणा के साथ साथ, परिवार भी बिखर चुका है। राजद का दोनों ही सीटों पर सुपड़ा साफ होना है, और बड़े अंतर से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की जीत वहां सुनिश्चित है। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने जो बातें की थी दिन पहले, वो कांग्रेस में जा सकते हैं, उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला किया, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कर दिया, बोला कि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस मरहम लगा के अपनी जो इंटरनल उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। दरअसल राजनीतिक तौर पर किसी दल विशेष के साथ प्रशांत किशोर जी का रिश्ता जोड़ा जाना बेमानी है। वो एक रणनीतिकार हैं, किसी भी दल के साथ उनका जुड़ाव अस्थायी होता है। ये पूर्व में भी अनेक पार्टियों के साथ उनके रिश्ते बने हैं, टूटे हैं। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो भी कहा है, ये आम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में होते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर है। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर जी किसी दल के नेता नहीं है, इसलिए उनके बयान की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।